हेलो स्टूडेंट्स, हम मोबिलिटी और इमोबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। तो इमोबिलिटी से कौन कौन से हैजार्ड्स होते हैं, तो टाइप सबसे पहले टाइप्स ऑफ इमोबिलिटी देखते हैं। सोशल इमोबिलिटी क्या होती है? विदड्रॉल फ्रॉम नॉर्मल पैटर्न ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो जो नॉर्मल इंट्रैक्शन है उससे विथड्रॉल करना, जो सोशल इंट्रैक्शन का जो नॉर्मल पैटर्न होता है उससे विथड्रॉल करना। और इमोशनल इमोबिलिटी क्या होता है कि इट कैन अकर व्हेन स्ट्रेस आर एक्सीड द कोपिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, किसी इंडिविजुअल कोई स्ट्रेस आर है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन है तो उससे कोपिंग नहीं कर पाना। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल, इट कैन अकर इट पर्सन हु लैक द एबिलिटी टू एक्वायर नीडेड नॉलेज। ठीक है, तो जो किसी पर्सन को नॉलेज की नीड है लेकिन वो उसको भी एक्वायर नहीं कर पाता है। और फिजिकल इमोबिलिटी क्या होता है कि कोई भी किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर थेरेप्यूटिक मेजर्स की किसी भी थेरेप्यूटिक मेजर्स की वजह से फिजिकल इमोबिलिटी का होना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या जो है हैजार्ड्स देखने को मिल सकते हैं इमोबिलिटी की वजह से। तो वीनस स्टेसिस हो सकता है caused by prolonged inactivity that restrict or slower venous circulation। तो venous जो circulation है अगर वो slow होगा तो उसकी वजह से venous stasis होगा। और increase cardiac workload भी बढ़ेगा, और thrombosis और embolism formation भी होगा, और orthostatic hypotension भी होता है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इमोबिलिटी की वजह से, तो हाइपोस्टेटिक निमोनिया हो सकता है और एटिलेक्टेसिस की कंडीशन भी हो सकती है। और मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम पे क्या होगा, तो मसल्स की एट्रोपी होगी। ठीक है, जिसमें कि मसल्स की साइज टोन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है, जिसमें कि जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट भी कम होगा, और जिसकी वजह से परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो सकती है टिश्यू। ठीक है, और एनकाइलोसिस हो सकता है, जिसमें क्या होता है कंसोलिडेशन एंड इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट इन ए पर्टिकुलर पोजीशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चर। उसके बाद में नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, तो अल्ट्रासेंसेशन, जो सेंसेशन होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। Usually pain is felt at first and sensation is altered and the patient no longer sense the pain। उसके बाद में peripheral nerve palsy हो सकती है। और उसके बाद में gastrointestinal system पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो appetite में disturbance होगा because of slowing of gastrointestinal tract। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और अल्टर्ड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा। और इंटीगोमेट्री सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रिस्क ऑफ स्किन ब्रेकडाउन होगा विच लीड्स टू नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन ऑफ टिश्यू स्पेशली द बोनी एरियाज। यूरिनरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, रिनल कैलकुलाई का फॉर्मेशन हो सकता है कॉज ऑफ स्टेग्नेशन ऑफ यूरिन इन रिनल पेल्विस। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और डिक्रीज ब्लैडर मसल स्टोन भी हो सकती है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, तो डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट हो सकती है, अल्टर्ड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। उसके बाद में साइको सोशल फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट होगा, तो डिक्रीज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इंक्रीज इन सेंस ऑफ पावरलेसनेस। ठीक है, बॉडी इमेज डिटोरिएशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड इन डिक्रीज सोशल इंट्रैक्शन। उसके बाद में मेंटेन ऑफ नॉर्मल बॉडी अलाइनमेंट एंड मोबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि बॉडी अलाइनमेंट, नॉर्मल जो बॉडी अलाइनमेंट और मोबिलिटी होता है उसको कैसे मेंटेन रखा जाए। तो बॉडी अलाइनमेंट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ जॉइंट्स टेंडन लिगामेंट एंड मसल्स वाइल ए स्टैंडिंग सीटिंग और लाइंग पोजिशन।
In a correctly aligned body, a line passes through the specific point while a standing position. These points can be seen from the side or back view. And side view refers paint are top of the ear, middle of shoulder, center of hip, and front of the knee, cap, or front of ankle bone. And back view is refers point are center of head, midpoint spine, middle of buttocks, and the center of point between heels. तो ये है normal body alignment. Then standing. तो standing में कैसे body alignment normal रहेगी, तो head जो है extended रहना चाहिए, shoulders slightly abducted होते हैं, wrist extended होती है, pull your abdomen in and up, and thigh extended and slightly abducted, and keep your back flat, and chest should be most forward apart, and elbow should be lightly flexed, and finger flexed, and buttocks contracted, and knee slightly flexed, and feet parallel about 3 inches apart. Then sitting position में normal body alignment क्या होता है कि head है वो straight होना चाहिए, chin tucked in होनी चाहिए, shoulder abducted होना चाहिए, wrist extended and abdomen flat and relaxed होना चाहिए, chest should most forward part, elbow flex can be supported and finger flex, thigh flex at right angle to the trunk, and feet flex at right angle to the leg and supported on the floor or foot rest. And get up, stretch and relax thoroughly when you have to sit for a long time. And ये है neck का extension. Bending. Bend कैसे होना चाहिए? Place on a foot in front of the other. ठीक है? Bend the knee as well as the hip and squat while keeping the back straight to pick up an object from floor. While working in standing position, always face towards the work. Keep your feet apart 3 inches and keep your back straight. During lifting weight, stand with both feet placed firmly on the floor and wide apart. Stand close to the weight. Use the strongest leg muscles to lifting. Bend knee and hip slightly. Keep back straight and lift straight upward and one smooth motion, and hold the weight close to the body while lifting and avoid twisting the trunk, and stand high enough to avoid lifting above waist, and better to push rather than lifting. Then carrying. Place both feet on the floor. Hold the object close to the body near the center of gravity and hold head erect and spine straight. ठीक है, तो ये डायग्राम में है कैरिंग, पुशिंग एंड पुलिंग. पुशिंग कैसे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो स्टैंड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, प्लेस योर सेल्फ इन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट एंड टेंस मसल एंड प्रिपेयर फॉर मूवमेंट. Hold the object close to the body near the center of gravity. Lean toward the object. Push away from utilizing body weight to add force. Then pulling and lean away from the object to pull it towards you. Then reaching. To किसी object को कैसे reach करेंगे? To get an object above head level. Stand directly in front of and close the object. Avoid twisting or stretching. Use a stool or ladder for high object. Maintain a good balance and a firm base of support. Keep one foot forward. Keep the back straight. Reach the both hands. Before moving the object, be sure that it is not too large or too heavy. Then exercises.
Exercise is a type of physical activity defined as a planned, structural, and repetitive bodily movement performed to improve health and maintain fitness to achieve an optimum state of health. Types classified according to types of muscles contraction, their source of energy. Isotonic exercise या dynamics क्या होते हैं? तो in this muscle shorten to provide muscles contraction and active movement. Example running, walking, swimming, cycling. Types of activity range of motion exercises. They are the active range of motion exercises. It increases muscle tone, mass, strength, and maintain joint flexibility and circulation. During isotonic exercises, both heart rate and cardiac output increase. तो ये हैं isotonic exercise and isometric exercises. Then isometric exercise, these muscles contraction without moving the joint. Example, squeezing a towel or pillow buttock between knees. Cause क्या है? Mild increase in heart rate and cardiac output, but no appreciable increase in blood flow to other part of the body. Then isokinetic exercises involve muscles contraction and tension against resistance, especially machine or devices provide resistance to the movement. These exercises are used to physical conditioning and are often done in build up certain muscles group. Increase in BP and blood flow to muscles occur with resistance training. Aerobic exercises. It is activity during which the amount of oxygen take into the body is greater than the used to perform activity. These exercises use large muscles group that move repeatedly. Then aerobic exercises, glycolysis and anaerobic glycolysis. So aerobic glycolysis mein kya hota hai? ग्लाइकोजन जो होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन होगा और पाइरूविक एसिड, उसके बाद में ग्लूकोज, पाइरूविक एसिड और सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है उसका, ठीक है, और उसके बाद में ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन के बाद में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो पाइरूविक एसिड और सफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से CO2 और H2O का फॉर्मेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा. और इधर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जो कि पाइरूविक एसिड और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा. इसमें एनारोबिक एक्सरसाइज एंड एरोबिक एक्सरसाइजेस. एनारोबिक एक्सरसाइज में लिफ्टिंग वेट, ठीक है, वेट को लिफ्ट करके जो एक्सरसाइज होती है वो एनारोबिक होगी, और एरोबिक में स्टेप अप. तो एनारोबिक में क्या होगा, इट इन्वॉल्व एक्टिविटी इन विच द मसल्स कैन नॉट ड्रॉ आउट इनफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड एनारोबिक पाथवे आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल एनर्जी फॉर द शॉर्ट टाइम. Then nursing management assessment. ठीक है, तो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे. ओके, थैंक यू.